Assalamualaikum guys, Sacha, how are you? आप लोग सारे कैसे हैं? आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही मजे का टूर करवाने लगी हूँ, क्योंकि मैं आज आई हुई हूँ यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी का नाम है ताइवान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। ये बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है, इसकी रैंकिंग है वर्ल्ड वाइड, चाइना में इसकी रैंकिंग है। आज मैं आप लोगों की पूरी यूनिवर्सिटी टूर करवाऊंगी, जहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं उनसे मिलवाऊंगी, वो आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करवाएंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और इस यूनिवर्सिटी में क्या वो रिकमेंड करते हैं बाकी स्टूडेंट्स को, आना क्या उनको यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो आइए देखते हैं, विजिट करते हैं इस यूनिवर्सिटी को और इन स्टूडेंट्स से जानते हैं। लेट्स गो। अस्सलामुअलैकुम गाइस, जैसे हम लोग अंदर आ चुके हैं ताइवान यूनिवर्सिटी के, और ये है इनकी बहुत बड़ी सुपरमार्केट। यहाँ पर डिफरेंट शॉप्स हैं, जैसे कि ये जो है फार्मेसी है, बहुत बड़ी सी और बहुत अच्छी इनकी फार्मेसी है, और ये है इनकी बेकरी, ये देखें डिफरेंट केक्स, और ये है इनकी सुपरमार्केट, जहाँ पे आपको डिफरेंट चीजें मिलेंगी। ये इनकी सुपरमार्केट है, यहाँ पे ये स्टेशनरी का सेक्शन है, यहाँ पे बाकी ग्रोसरी का सारा सेक्शन है। गाइज, ये फ्रूट सेक्शन है, यहाँ पे आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बाय कर सकते हैं। ये इनकी बुक शॉप है, यहाँ पे आपको हर किस्म की बुक मिल सकती है जो भी आपने पढ़नी है। ये है जी इनका आइसक्रीम पार्लर, लेट्स गो इनसाइड। डिफरेंट किस्म की आइसक्रीम है इनके पास, इनकी सिटिंग भी बड़ी अच्छी बनी हुई है, छोटी है लेकिन प्लेस इज नाइस। गाइस, इनका एक जूस कॉर्नर है, ये देखिए है छोटा सा लेकिन काफी इनके पास वैरायटी है चीजों की। आइए नीचे चलते हैं, जो इनका मेन है ना कैफे, वहां चलते हैं आज। ये इनकी शॉप है जो हमें बहुत पसंद है, यहाँ पे आपको बर्गर्स मिलेंगे और वो हलाल मिलेंगे, तो सबसे अच्छा पॉइंट होता है। ये इनकी है जगह और बहुत प्यारी बनी हुई है, आई जस्ट लव दिस स्पेस। इनका मेन्यू है और जितने आपने बर्गर्स वगैरह खाएंगे आप यहाँ से, वो सब हलाल है, तो दिस इज रियली नाइस फॉर देम। बट हमारी यूनिवर्सिटी में ये सीन नहीं है, जैसे मैंने आपको वो जगह दिखाई थी, हमें बाहर जाना पड़ता है और प्राइजेस भी बहुत रीजनेबल है। ये देखें 12-9 प्राइजेस बहुत रीजनेबल लगी हुई हैं। हे गाइस, हम पहुंच गए हैं सीख कैफे इस यूनिवर्सिटी का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग ताइवान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को विजिट कर रहे हैं आज, सो ये बहुत हमें प्यारा लग रहा है बाहर से, लेट्स सी के अंदर से कैसा है, आ जाए। ये देखें, ये बहुत ही प्यारा है अंदर से। अभी इनका ब्रेक का टाइम है इसलिए रश नहीं है, तो सिर्फ मैं हूँ और ये मेरा क्लासमेट है मुस्तफिजुर। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, हु आर यू इन इंग्लिश? नाइस, थैंक यू। निहाओ, ये स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, ये देखिए जी, इन्होंने बहुत प्यारा बनाया हुआ है। ये बुक्स हैं यहाँ पे, मतलब स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट है, आप आए यहाँ पढ़ें, आप एंजॉय करें, कॉफी पिए। अंदर भी एक स्पेस है, अंदर जाके चेक करते हैं। ये बड़ी अच्छी स्पेस बनाई हुई है इन्होंने, यहाँ टेबल्स लगे हुए हैं, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है। ये देखें, आप यहाँ ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, वाव
Nice. अब इस यूनिवर्सिटी के हम मुस्लिम कैंटीन में पहुंच गए हैं। ये देखिए, लैब तो काफी बड़ी रही है। लेट्स सी, अंदर जाने से पहले मैं आपको डॉर्म दिखा दूं कि ये जो है ना, ये जो आपको बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, ये चाइनीज के डॉर्म है। ये सारे जो लाइन में, सारे चाइनीज के डॉर्म है। चलिए अंदर चलते हैं, लेट्स सी, इनका मेन्यू देखते हैं, इनकी प्राइजेस देखते हैं और इनकी स्पेस देखते हैं कैसी है। आ जाए, ये देखें गाइस, ये इनकी मुस्लिम कैंटीन है और इंतहा की बड़ी और इंतहा की खूबसूरत। ये देखिए, यहाँ पे आपको जो चीज मिलेगी वो सारी मुस्लिम होगी। जैसे मैंने पहले ब्लॉग में आपको बताया, यहाँ पे हलाल हराम का बहुत देखना पड़ता है ना, तो चले एटलीस्ट ये जितने भी मुस्लिम स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं उनको ये इशू नहीं होगा। यहाँ पे इजली आके जो उनको खाना है, मीट बीफ, आपको सब हलाल मिलेगा। सो इन लोगों की कोई स्टाफ मीटिंग चल रही है, हमें इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, हम यहाँ से निकल जाते हैं। नजर आ रहा था ना फर्स्ट फ्लोर ऊपर था, ये वो है। ये देखें, ये सीट्स हैं। अभी तो ब्रेक है इसलिए यहाँ पे आपको कोई बंदा नजर नहीं आ रहा कि इनकी ब्रेक टाइम है इस टाइम। ये देखें, ये सारा कुछ हलाल है और प्राइजेस भी मुनासिब है। सामने भी एक बना हुआ है, चलें अंदर जाके देख लेते हैं। ये देखिए, तो ये बहुत बड़ी इनकी कैंटीन है, इसकी दो स्पेसेस हैं, ये मेन्यू है। ये देखिए, और बहुत ही मुनासिब प्राइजेस हैं। ये देखें, ये डिशेस, गाइस ये सुपरमार्केट के बिल्कुल सामने है बास्केटबॉल ग्राउंड। ये देखें, आज वेदर भी बहुत अच्छा है क्योंकि आज बारिश हुई है और इसलिए सारा बास्केटबॉल ग्राउंड है। यहाँ पे आप बास्केटबॉल खेल सकते हैं और वैसे भी चाइनीज बड़े इन्वॉल्व होते हैं स्पोर्ट्स में। सो दिस इज देयर बास्केटबॉल ग्राउंड। हम इनके स्टेडियम में पहुंच गए हैं जो कि बहुत बड़ा है और ये देखिए एक्सरसाइज भी हो रही है यहाँ पे। ये देखें, ये इनका स्टेडियम है, प्लेग्राउंड है। यहाँ पे अगर इनकी कोई सेरेमनी वगैरह होनी होती है वो भी यहीं पे होती है और ऑलरेडी बच्चों की क्लासेस चल रही हैं, जो फिजिकल एजुकेशन वाले बच्चे हैं उनकी। सो ये देखिए इनका स्टेडियम। ये देखें, डांस हो रहा है यहाँ पे, इट्स गुड। ये सीख रहे हैं डांस करना, वो देखें वो टीचर ब्लैक जैकेट में वो सिखा रही है स्टूडेंट को ऐसे करने। ये इनका सब्जेक्ट है, ओ वाओ। ये इनकी टीचर है, सिखा रही है अपने स्टूडेंट को, क्लास हो रही है, इनको डांस सिखाया जा रहा है। Hey guys, अब हम इन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेंगे कि ये लोग क्या पढ़ते हैं, इनकी क्या एज है और फिर हम जानते हैं इनके बारे में, इनके टीचर से बात करते हैं। लेट्स गो। 我是天然理工大学农业水利工程1902班的姚宇倩，我今年19岁，然后我们平时上课呢就是。
学一些水力学、材料力学、各种力学的课，然后以及我们喜欢的体育课。ये तीन स्टूडेंट्स हैं जो ये क्लासमेट्स हैं। नी क्या शम मिंग से我本来是一七级的一名学生，但是因为一些原因耽误两年，今年刚回来参加到一九级，认识一群新同学，感觉校园生活还是非常不错的。高二的黄渤，我今年21岁。咱们理工大的学习氛围一直都非常的好，无论是这个文化上建设，还有这个尤其是这个体育课的建设非常的好，同学们都非常热衷于这个锻炼身体，总体来说非常不错。谢谢老师。हे गाइस, जैसे आपने देखा अभी मैंने स्टूडेंट्स और टीचर्स का इंटरव्यू लिया है और अभी हम लाइब्रेरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को इनकी लाइब्रेरी दिखाती हूँ एंड फिर मैं आप लोगों को वीडियोस की दिखाती हूँ और फिर मुझे बताइएगा कि आप लोगों को यूनिवर्सिटी कैसी लगी। इनकी लाइब्रेरी का एंट्रेंस है, लेट्स गो इनसाइड और फिर हम आपको इस लाइब्रेरी के बारे में बताते हैं। हम इनके फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं लाइब्रेरी के। ये देखें, इनके 4 फ्लोर हैं टोटल। ये देखें, ये जी मिरर, हम गर्ल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हेलो, हम गर्ल्स के लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो उन्होंने यहाँ लगाई हुई है। स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। गाइस, इनका सेकंड फ्लोर है, मैं आहिस्ता बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए मैं विस्परिंग कर रही हूँ। बहुत प्यारा बना हुआ है अंदर से। ये देखिए, अलग अलग टेबल्स हैं, आप बैठ के पढ़े स्कूल से। सोफाज भी लगे हुए, आप सो भी सकते हैं। जैसे एक स्टूडेंट सो रही है उस तरफ। सीन का 3rd फ्लोर है लाइब्रेरी का। Successful, I am very very proud of this university. Yes, have a 3 campus. This 3 campus is the most beautiful. हाय गाइस, मैंने आप लोगों को लाइब्रेरी दिखाई, इतनी अच्छी इनकी लाइब्रेरी है। इनके 4 फ्लोर्स हैं, हमने एक एक फ्लोर आपको दिखाया। जाहिर सी बात है, मैं अंदर बोल नहीं सकती थी, सो आई वाज विस्परिंग। तो अब मैंने अपने 2 दोस्तों से इंटरव्यू लिया है। पहले मैंने मेहंदी का आप लोगों को दिखाया है कि मेहंदी ने अपना एक्सपीरियंस बताया, वो कहाँ से है। अब हम मुस्तफिजुर का जानते हैं कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस यूनिवर्सिटी का और वो हमें क्या सजेस्ट करेगा कि क्या स्टूडेंट्स को यहाँ पे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। मेहंदी ने तो बहुत पॉजिटिव कॉमेंट्स दिए हैं कि आप लोगों को लाजिम अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले। तो आइए अब जानते हैं कि मुस्तफिजुर के क्या तासर आते हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में। I hope this university all facility is good and especially international student facility is good. My dormitory, my international building, study system, all is good. I am very proud this university study. This university environment is very good, scenery is very good,
my teaching system is good. All everything is good. I like this university. My life is going to be good and peaceful. Thank you. ये लाइब्रेरी के सामने छोटे छोटे पार्क्स बने हुए हैं बहुत प्यारे से. ये देखिए आज वैसे भी बारिश हो रही है तो मैं बारिश में आपको हर चीज दिखा रही हूँ. ये देखिए ये इनकी लाइब्रेरी थी. ओके इफ्तार का टाइम सो मैं आप लोगों से ज्यादा चाहूंगी. इंशाल्लाह मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा. मैं आप लोगों के फीडबैक्स का इंतजार करूंगी. और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. काइंडली उधर भी जाएं उसको भी फॉलो करें. थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. ज़ाइचियन. अल्लाह हाफिज़.